हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का डीएबी का चैप्टर 1 का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। नंबर 1 का ए नंबर, इसमें समझिए अब क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 होगा। इसको हम लोग उल्टा करके 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, ये भी होगा 5। मतलब जैसे यहाँ 3 है इस पार भी 3 है, 2 है इस पार भी। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ देख लीजिए, 624 इस पार है इक्वल टू के इस पार भी है, 1794 इस पार है इस पार नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1794। चलते हैं बी नंबर में। अब इसमें देखिए, 800 इस पार है इक्वल टू के इस पार भी है, 287 इस पार भी है इस पार भी है, इसका मतलब 163 इस पार है इस पार नहीं है, तो 163 सी नंबर। अब यहाँ देख लिए, 432 इस पार है इक्वल टू के इस पार भी है, तो 111 इस पार है इस पार नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 111। जहाँ जहाँ डैश है वहाँ वहाँ भर रहे हैं हम डी नंबर में। 97 यहाँ भी है यहाँ भी है, 561 इस पार है इस पार नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 561 ई नंबर में। ये सारा कम्यूटेटिव लॉ चल रहा है। उसके बाद है 200 इस पार है यहाँ भी है, 1200 इस पार हैं इस पार नहीं है, तो किसी एक में भर दो 1200। चाहे इसमें भरो इसमें भरो इसी में भर देते हैं, पहला वाला में 1020 एंड 3333 इस पार है इस पार नहीं, तो इस दूसरा वाला कॉमा में 3333। किसी एक में उल्टा पुल्टा भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ नंबर में हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ में जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 268 रहेगा। अगला एफ के बाद जी। जी नंबर में है कोई भी चीज़ में जीरो सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 469 ही रह जाएगा। एच में है ना, यहाँ देखिए 1238 में क्या सब्ट्रैक करेंगे जो सेम रह जाएगा। अभी बताया जीरो सब्ट्रैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो हो जाएगा। आई नंबर में ये देखिए कितना, 29487 में क्या ऐड करेंगे जो वही रह जाएगा, तो इसका मतलब एक ही नंबर ऐसा जीरो। आगे चलते हैं। अगला है रिप्लेस स्टार विद द एप्रोप्रिएट डिजिट। दोस्तों चलिए 2 नंबर का ए बताता हूँ, कितना है 29422। उसके बाद है 68, स्टार की जगह मैं बॉक्स लिख देता हूँ 5। क्या करना है, माइनस इधर दिया हुआ है 745, या फिर बॉक्स यानी स्टार दिया हुआ यहाँ है, हमको सब्ट्रैक करना है। अब समझिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलना चाहिए, या इस दोनों को मल्टीप्लाई इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो 5 प्लस 7, 12 का 2 कैरी 1, 415। 5 प्लस क्या ऐड करेंगे जो यहाँ होगा, तो चलिए हम लोग इधर से बनाते हैं ऊपर से। देखिए 2 में 5 नेगेटिव ऐसे कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 1। 12 में 5 सेलेक्ट करेंगे तो 7, यहाँ 1 में क्या सब्ट्रैक करेंगे जो 4 था, हम लोग 1 से तो 4 यहाँ कुछ भी सब्ट्रैक होगा नहीं, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3। 11 में क्या सब्ट्रैक करेंगे जो 4 होगा, है ना, तो 7, समझ में आ रहा है, 11 में 7 सब्ट्रैक करेंगे 4 होगा, इसका मतलब ए बॉक्स में 7 आ रहा है। 3 में 8 नहीं करेगा ऐसे कैरी लेंगे 13, यहाँ बन जाएगा 8। 13 में 8 सब्ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 5, 8 में 6 सब्ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 में 2 6 2, और यहाँ 2 में तो 2 का 2, तो इस बॉक्स में 2 आएगा, इस बॉक्स में 7 आया। चलते हैं नेक्स्ट बी नंबर। 4 7 8 फिर बॉक्स है यहाँ 5, 3 यहाँ बॉक्स, फिर 3 फिर 3 यहाँ 4, ये यहाँ प्लस है। इसके बाद यहाँ 9 3 यहाँ बॉक्स, यहाँ 4 यहाँ 8, इतना ही है हमको प्लस करना है। 9 प्लस 5 प्लस 4 9, 3 में क्या ऐड करेंगे जो यहाँ 3 ही रह जाएगा, इसका मतलब 0 होगा। 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, 7 1 8, हम लोग को बनाना 4, तो 8 में क्या ऐड करेंगे जो 4 बनेगा, तो 6 जोड़ देते हैं, सॉरी 6 जोड़ते हैं, 8 6 14, हाँ 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 और 4 8, तो यहाँ हो जाएगा 6 लिखे हैं दोस्त। अगला सी नंबर में
2, 3, 9 यहाँ बॉक्स है और यहाँ 8, यहाँ भी बॉक्स 0, 8, 9 यहाँ बॉक्स, यहाँ 1, यहाँ प्लस करना, यहाँ 1, 4, 3 बॉक्स 6, 9 सीधा सीधा उतारिएगा नहीं तो फिर दिक्कत होगा। 8 में क्या ऐड करेंगे जो 9 होगा, तो 1 यहाँ पर डैश प्लस 0 इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 0 9 प्लस 8 17 का 7 कैरी 1, 9 1 10 प्लस 3 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 और यहाँ 4 बनाने के लिए 1 दे देते हैं, 4 बन जाएगा 1 का 1। ओके ये आगे चलते हैं, एक और दिया हुआ डी नंबर 8 00 19 उसके बाद है बॉक्स, उसके बाद है 4 3 फिर बॉक्स और फिर बॉक्स, नीचे में है 3 0 यहाँ बॉक्स, यहाँ 5 यहाँ 2, हमको सब्ट्रैक करना। तो 9 में क्या सब्ट्रैक करेंगे जो 3 होगा, तो 6, यहाँ 1 में क्या सब्ट्रैक करेंगे 0 होगा, तो 1, 0 में सब्ट्रैक 3 नहीं हुआ इसे कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10, यहाँ से कर लेंगे ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 9, 10 में 3 सब्ट्रैक करेंगे 7, 9 में 4 सब्ट्रैक करेंगे 5 और 7 में क्या सब्ट्रैक करेंगे 2 होगा, तो 7 में 5, तो ये हम लोग हो जाएगा जो जो भरे। अगला मारते हैं 3 नंबर 8, ये नंबर 2 इतना, नो 8 इतना 2 इतना, आर द 2 रिजल्ट सेम, मतलब दोनों सेम हैं पूछ रहा है, तो हम लोग को दोनों तो पहले ऐड करना पड़ेगा। चलिए 1 7 1 8 6 6 2 और यहाँ पे है 2 4 6 2 4 6 सिक्स सेम है 6 0 8 9 5 तो 5 प्लस 2 7 9 9 प्लस 6 9 6 15 15 का 5 कैरी 1 8 8 14 1 15 का 5 कैरी 1 8 1 9 6 1 7 7 प्लस 3 10 ये आया। अगला चलते हैं, इसको भी ऐड करने बोल रहा है 3 6 0 8 9 5 7 1 8 6 6 2 अच्छा यही नंबर है क्या? यस यही नंबर है, उल्टा उल्टा करके दिया है, ये वाला नंबर ऊपर है ये वाला नंबर नीचे है, 5 प्लस 2 7 6 प्लस 9 15 का 5 कैरी 1 8 6 14 15 का 5 कैरी 1 8 1 9 6 प्लस 7 6 प्लस 1 7 और 7 3 10 इसका मतलब ये सेम है, दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा यस। आगे चलते हैं नंबर 4, एड द फॉलोइंग नंबर बाय अरेंजिंग देम यूजिंग हर प्रॉपर्टी यूज करना, तो ए नंबर पढ़ते हैं कितना 7 8 6 प्लस 3 3 4 2 प्लस 2 1 4 यहाँ समझते हैं, हम लोग को जीरो बनाने का कोशिश करते हैं, तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना तो 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1 8 प्लस 1 9 और कैरी 1 था 10 का 0 कैरी 1 7 प्लस 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ था 3 4 2 अब तो यही जी बन गया 0 प्लस 2 2 4 प्लस 0 4 3 प्लस 0 3 और 1 का 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी लगाए। बी नंबर चलते हैं कितना है 4 7 9 प्लस 2000 प्लस 21 तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इसमें भी 1 प्लस 9 10 का 0 कैरी 1 7 प्लस 2 9 और कैरी 1 था तो 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 और यहाँ पहले से था 2000 तो 2500 तो 2500 है ना, ये इसलिए है कि अगर ऐसा सोचिएगा ना तब मौखिक भी इसको कर सकते हैं ओरली। 2 2 5 प्लस 7 2 5 प्लस 2 7 5 प्लस 2 7 5 अच्छा यहाँ समझते हैं किसी को भी किसको किसको रख दें, इस दोनों को एक साथ रख देते हैं और इस दोनों को एक साथ दिक्कत, तो 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 7 प्लस 2 9 प्लस इस दोनों के साथ 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 7 प्लस 7 14 1 15 का 5 सॉरी 5 5 10 हाँ 15 का 5 कैरी 1 2 2 4 1 5 फिर इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 1 15 9 1 10 1 15 इतना होगा। चलते हैं अगला फटाफट बनाते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत लंबा नहीं तो वीडियो हो जाएगा। 1 3 7 6 प्लस 6 2 4 प्लस 9 3 3 यहाँ समझते हैं किसको किसको रखें,
तो इस दोनों देखिए 10 बन रहा है, और इस दोनों को रखेंगे तो 10 बन रहा है। 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 और 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 ये बन गया। और इस दोनों को 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 1 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 1000 और यहाँ 2000 कितना हो जाएगा 3000। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। ई नंबर 6 3 7 प्लस 9 0 8 प्लस 3 6 3। इसमें देख लीजिए इसको इसको रखेंगे, मतलब लास्ट वाला 10 बनना चाहिए। 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 और 1 10 प्लस 9 0 8, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9 और 1, ये इतना हो जाएगा। आगे है एफ नंबर 2062 प्लस 547 प्लस 938 प्लस 353। अब यहाँ समझते हैं, इस दोनों को एक साथ रखेंगे और इस दोनों को एक साथ, क्योंकि लास्ट में देख रहे 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और प्लस 0 9 और कैरी 1 तो 10 का 0 कैरी 1 और 2 1 3। और इधर हो जाएगा 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 5 प्लस 3 8 और 9। और हम वो 00 से 00 ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 0 9 और 3 39 हो जाएगा 100। आगे चलते हैं फाइव नंबर में, क्या करना है, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग चेक योर आंसर इन करेक्ट करस्पॉन्डिंग एडिशन। दोस्तों इसको सबट्रैक्ट करके फिर आंसर को चेक करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 9 4 3 5, यहाँ 5 0 0 7 1। सबट्रैक्ट करना है, 5 में 5 सबट्रैक्ट करना है 0 3 में 0 3, 4 में 0 4, 9 में 7 2 1, ये लिख दिया। अब इसको चेक करने के लिए ये वाला नंबर को सबसे ऊपर में लिखिएगा, चेक करने के लिए 1 2 4 3 0, और इसको सामने में ही लिखिएगा 1 7 0 0 5। और दोनों को क्या करेगा, ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 1 2। और ये वाला नंबर जो है इससे मैच करेगा, देख लीजिए है 2 9 4 3, ये चेक करने का मेथड है, सारा ऐसे ही बनेगा। मैं आगे 16 वाला बना देता हूँ ये। अच्छा ये इसलिए छोड़ रहे हैं कि बच्चा सब ने इसको बनाएंगे तो स्किप कर देगा, वो हटा देगा, आगे बढ़ा के वीडियो ये देखना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं, मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। चलते हैं आगे, नंबर 6, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन ए स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5670। चलते हैं आगे, इन ए स्कूल, ये ब्लर हो गया था इसलिए मैं ऐसा किया थोड़ा सा। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5637। इफ द 142 स्टूडेंट टुक एडमिशन ड्यूरिंग दैट ईयर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो पहले यहाँ बोला है स्कूल में द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना है 5637। उसके बाद इतना स्टूडेंट एडमिशन लिया है ना, तो स्टूडेंट्स टुक एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर, एडमिशन स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, स्टूडेंट टुक एडमिशन कितना है तो 142। हम लोग को निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा कितना, तो 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7 और यहाँ होगा 5। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ अ कार इज 376,866। इफ इट इज इंक्रीज बाय 42,849, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कार। तो इसमें भी ऐड करेंगे तो हम लोग लिख देते हैं द प्राइस ऑफ कार
सेवन नंबर द पी आर आई सी प्राइस ऑफ अ कार इक्वल टू 376,866 इंक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग प्राइस आई एन सी आर ई ए एस ई डी इंक्रीज प्राइस कितना है इक्वल टू यहाँ मिला के लिखेंगे 42,049 इसलिए यहाँ उन लोगों का प्लस हो जाएगा यहाँ होगा न्यू प्राइस इक्वल टू 9 + 6 15 का 5 carry 1 6 + 4 10 1 11 का 1 carry 1 8 1 9 6 + 2 8 और 7 + 4 11 का 1 carry 1 3 1 4 तो हो जाएगा हम लोग 418,915 ये रुपये का साइन था रुपये का साइन लगा देते हैं आगे चलते हैं लंबा चल रहा है अ क्लब ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू अ डिज्नी वर्ल्ड ये तो फालतू में लिखा द कॉस्ट ऑफ द होल पैक इज 182,420 द क्लब गिव अ डिस्काउंट 47,332 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैक आफ्टर डिस्काउंट इसका मतलब इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक होगा तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या कॉस्ट ऑफ होल पैकेट इतना कॉस्ट ऑफ पैक लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ पैकेज इज द कॉस्ट ऑफ पैकेज PACKAZ द कॉस्ट ऑफ पैकेज इज इक्वल टू रुपी 1,82,83,420 अबले बोला है क्लब गिव डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है DISCOUNT कितना दिया हुआ तो 47,632 इसमें माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तो आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट AFTER आफ्टर डिस्काउंट DISCOUNT तो यहाँ 10 में 2 सब्ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 8 यहाँ बचेगा 3 1 में नहीं कटेगा 6 11 में 3 सब्ट्रैक करेंगे तो 8 यहाँ बचेगा 3 में 6 नहीं कटेगा 13 में 6 14 12 13 7 यहाँ बचेगा कितना 2 में 7 नहीं सब्ट्रैक होगा तो यहाँ कैरी लेंगे तो 12 7 5 बार 5 उसके बाद हो जाएगा यहाँ कितना 7 में 4 तो 3 यहाँ 1 735,788 आगे चलते हैं 9 नंबर चलते हैं राहुल डिपॉजिट 57,630 इन अ बैंक आफ्टर अ वीक ही विड्रॉ 19,211 व्हाट इज द करंट बैलेंस ऑफ राहुल अकाउंट तो यहाँ डिपॉजिट बैलेंस DEPOSIT डिपॉजिट मतलब जमा करना होता डिपॉजिट मनी लिख देता हूँ MONEY कितना है 57,630 विड्रो मतलब निकालना होता है TH DRE W विड्रो मनी कितना दिया हुआ है 19,211 तो हम लोग को यहाँ क्या बताया है करंट बैलेंस CU ये करंट मतलब वो झटका वाला करंट नहीं है ये बैंक में होता है सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट तो यहाँ बचेगा कितना 10 में नहीं सब्ट्रैक्ट होगा वो 0 में तो 10 9 हो जाएगा यहाँ बचेगा 2 में 1 तो 1 यहाँ बचेगा क्योंकि 6 4 यहाँ बचेगा 7 में 9 ऐसे कह लेंगे 17 नॉट 17 8 यहाँ बचेगा 4 में 1 3 सॉरी 38,419 अगला चलते हैं नंबर 10 ही बना के दिखा देता हूँ फास्ट में गारमेंट तो कपड़ा का फैक्ट्री वो कहते हैं प्रोड्यूस 33,000 ट्रोज़र एवरी ईयर आउट ऑफ दिस 12,309 आर फॉर द मैन एंड मतलब पुरुष के लिए इतना है 9,538 आर वीमेन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रोज़र प्रोड्यूस चिल्ड्रेन दोस्तों लफड़ा वाला तो मैं इसको पहले तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो पहले हम लोग कितने हैं
ट्रोजर फॉर मैन, TROUSERS, ट्रोजर फॉर मैन के लिए, अच्छा MEN लिखता है जैपुलर के लिए, 2309, सर्दी हो गया। फिर यहाँ ट्रोजर फॉर किसके लिए, वीमेन, वीमेन मतलब महिलाओं के लिए, WOMEN, कितना है 9538, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना है 9 + 8 17 का 7 carry 1 3 1 4 9 8 17, 5 + 3 8, 9 + 2 11 का 1 carry 1 1 1 2, तो 21,000 निकल गया। अब हम लोग को टोटल दिया हुआ कितना 333,000, यहाँ लिख देते हैं टोटल ट्रोज़र TROUSERS कितना दिया है 33000, और ट्रोज़र TROUSER ट्रोज़र फॉर मेन एंड वीमेन साथ लिख देते हैं कितना था 21847, अब ट्रोज़र फॉर चिल्ड्रेन हो जाएगा ट्रोज़र फॉर CHILDREE, तो यहाँ हम लोग सब्ट्रैक करेंगे 10 में 7 3, यहाँ बचेगा 9 में 4 5, 9 में 8 1, यहाँ बचेगा 2 क्योंकि कैरी दिए थे, 2 में 1 1 3 में 2, ये भी 1, तो हो जाएगा हम लोग को 11,153। दोस्तों अगर मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो दोस्तों साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक्सप्लेनेशन करने से, देखते पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, इसलिए शेयर ज़रूर करना, थैंक यू।